1909 में बने मोर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आखिर क्या थे? अर्ली 20th सेंचुरी में इंडियंस को एक मौका चाहिए था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का और सरकार में अपने हितों के लिए आवाज रखने का। इसी इशू को एड्रेस करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स लॉर्ड मिंटो और जॉन मोर्ली ने मोर्ली मिंटो रिफॉर्म्स बनाए, जिनको इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909 भी कहा जाता है। इन रिफॉर्म्स के बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियन मेंबर्स भी इलेक्ट होने लगे थे। मोर्ली मिंटो एक्ट ने सभी इंडियंस में नेशनलिज्म की एक चिंगारी जला दी और सभी इंडियंस को एकजुट होकर काम करने और सरकार में अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए इन्फ्लुएंस किया।